आज पढ़ने जा रहे हैं समास। समास क्या है? दो शब्दों के योग से जो निर्मित होता है वो क्या कहलाता है? समास। अब समास विग्रह क्या होता है? विग्रह माने होता है तोड़ना, जैसे संधि विच्छेद, विच्छेद माने भी क्या होता है? तोड़ना। तो ऐसे हम देखें समास, तो दो शब्दों के योग से निर्मित शब्द को क्या बोलेंगे हम? समास। अब देखिए शब्द क्या है, अक्षर क्या है, वाक्य क्या है, अनुच्छेद क्या है। ये वीडियो अपलोड हो चुकी है, चैनल पर देख विजिट कर लीजिएगा। अब आते हैं द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है? पहला शब्द जो रहता है क्या रहेगा? वो संख्यावाची रहेगा। पहला पद क्या रहेगा? संख्यावाची। जैसे त्रिभुवन देखिए, त्रिभुवन में त्रि मतलब तीन होता है, तो तीन में क्या हो जाएगा आपका? त्रिभुवन। ऐसे होता है पंचवटी, पंचवटी पांच और वट माने वृक्ष, पांच पेड़ों का समूह को क्या बोलेगा? पंचवटी। अब आते हैं बहुव्रीहि। बहुव्रीहि में क्या होता है? इनमें दोनों पदों का, दोनों पद प्रधान नहीं रहते लेकिन किसी तीसरे व्यक्ति को प्रधानता रहेगी। जैसे इसमें लिखा है देखिए, इन समास में दोनों पदों के योग से नवीन अर्थ प्रकट। इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो एक नया अर्थ निकल आएगा। अब वो किसके लिए है देखिए, जैसे चतुर्भुज, चतुर माने चार, ये देखिए संख्यावाचक है, भुज माने भुजाएं, चार भुजाएं किसके अर्थात? विष्णु की। लंबोदरा, तो लंबोदरा में किसका प्रदर्शित कर रहा है? लंबा उदर जिसके अर्थात? श्री गणेश। तो ऐसे ही आपको क्या रहेगा? किसी तीसरे व्यक्ति को प्रदर्शित करेगा आपका ये, ठीक। अब आगे चलते, तीसरे में हम पढ़ने जा रहे हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या रहेगा? का, की, के, मे तथा से का बीच में लोप होगा। ये तो कैसे होगा देखेगा, किसी समास में इस अगर जो के बीच में क्या आ जाए, के आ जाए, मे आ जाए या का आ जाए, तो क्या कौन सा समास होगा? वो तत्पुरुष समास। कैसे होगा देखिए, वनवासी में वन में वास करने वाला क्या हो जाएगा? वनवासी। तो वन में आ गया बीच में आपके, तो ऐसे ये देखिए वन में, जैसे शक्ति, शक्ति से ही, तो बीच में क्या आ रहा है आपकी? शक्ति से आ रहा है। यथा पूर्व, पूर्व की तरह, मतलब आपको ये ध्यान रखना है जब आप उसका विग्रह करेंगे या तोड़ेंगे उसमें का आए, की आए, के आए, मे से, तो क्या आप बता दो सीधे तत्पुरुष समास। द्वंद समास में क्या रहता है? दोनों पद प्रधान रहेंगे, उत्तर पद और पूर्व पद। तो इनमें से देखिएगा दोनों पद प्रधान, जैसे माता, और ध्यान रखना कवि विसर्ग का संकेत अगर जो रहे माने जैसे चिन्ह लगा रहे, तो क्या करेंगे आप उसको? और होगा जैसे माता और पिता, दिन और रात, राम लक्ष्मण में राम और लक्ष्मण, तो क्या है आपको इसमें और शब्द का लोप हो रहा है। तो जहां भी इस तरह से संकेत है तो समझ जाना है आपको कौन सा समास होगा? द्वंद समास होगा। इसी तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज पढ़ने जा रहे हैं समास। समास क्या है? दो शब्दों के योग से जो निर्मित होता है वो क्या कहलाता है? समास। अब समास विग्रह क्या होता है? विग्रह माने होता है तोड़ना, जैसे संधि विच्छेद, विच्छेद माने भी क्या होता है? तोड़ना। तो ऐसे हम देखें समास, तो दो शब्दों के योग से निर्मित शब्द को क्या बोलेंगे हम? समास। अब देखिए शब्द क्या है, अक्षर क्या है, वाक्य क्या है, अनुच्छेद क्या है। ये वीडियो अपलोड हो चुकी है, चैनल पर देख विजिट कर लीजिएगा। अब आते हैं द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है? पहला शब्द जो रहता है क्या रहेगा? वो संख्यावाची रहेगा। पहला पद क्या रहेगा? संख्यावाची। जैसे त्रिभुवन देखिए, त्रिभुवन में त्रि मतलब तीन होता है, तो तीन में क्या हो जाएगा आपका? त्रिभुवन। ऐसे होता है पंचवटी, पंचवटी पांच और वट माने वृक्ष, पांच पेड़ों का समूह को क्या बोलेगा? पंचवटी। अब आते हैं बहुव्रीहि। बहुव्रीहि में क्या होता है? इनमें दोनों पदों का, दोनों पद प्रधान नहीं रहते लेकिन किसी तीसरे व्यक्ति को प्रधानता रहेगी। जैसे इसमें लिखा है देखिए, इन समास में दोनों पदों के योग से नवीन अर्थ प्रकट। इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो एक नया अर्थ निकल आएगा। अब वो किसके लिए है देखिए, जैसे चतुर्भुज, चतुर माने चार, ये देखिए संख्यावाचक है, भुज माने भुजाएं, चार भुजाएं किसके अर्थात? विष्णु की। लंबोदरा, तो लंबोदरा में किसका प्रदर्शित कर रहा है? लंबा उदर जिसके अर्थात? श्री गणेश। तो ऐसे ही आपको क्या रहेगा? किसी तीसरे व्यक्ति को प्रदर्शित करेगा आपका ये, ठीक। अब आगे चलते हैं दूसरा।